कुछ कभी गढ़ भी बैठल बाड़े बाबा पहचानत ना बाड़े, लेकिन जितना यहाँ हमरे गुरु सम्मान गुरु लोग कभी गढ़ लोग होंगे तो मंच के सामने आ जा, हम तो है लोग के पहचान ले। बिटिया आप लोग के क्षेत्र में, आप लोग के धरती पे, आप लोग के बीच में अपने गीत का प्रस्तुति करत बा, तो कम से कम आप लोगन के आशीर्वाद मिले के चाहिए। एक जने तो मोबाइल काने पर लगाए हैं। हट तो हाँ गुरु जी, तुम्हारी भैया इधर आवा, गुरु लोग जितना बाड़े तनी लिया आवा, हम सीनत ना बाड़ी तन चिन्ह में कम से कम सब के लिए आवा जय जन बड़े कुल मिलाए कुल मिलाए के नहीं से ले तू काहे ना नहीं लिया है, वो कम से कम दर्शन हो जाए, हमनो धन हो जाए। आवे से और लिया ही आवे से बड़ा अंतर बा भैया, बड़ा हस हस झगड़ा लगावत रहे। हे सुना का कहत बाड़े, कहत हन के आवे सब कहां बहन भैया, अब हम का करे कह जाई। बड़ा सुंदर गीत रहल, लगा कुथाई बैठ के बड़ा सुंदर गीत गैलन कि एक दिन सावन में हो सड़ुआइन अपने घरे बोलो तू ना बोलो तू ना, और कहलन कि हाथ में कंगना गोड़ में रंगना ओठे ओठ ललिया ना, यही पुलु भाई गया यही देखा देखा देख के बेचारे दांत टूट गया। एने के खातिर एक गीत बा, अब बतौबे करन की आरती, यही आरती के नियन हम तो सोचली है कि जाए दो का करेन कर नाम ली हो जाए, लेकिन हमरे हसमुख जी खातिर बड़ा नीमन गीत लगल, अच्छा लगल, दिल के छू गई। ये देखे परम सभ्य राजेंद्र बनवासी भैया के कर करम द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार चढ़ में 100 बार पहल की प्रणाम है। ला तो के मिला है हमके, तो है मिला है, तो तू काहे बोला था बोल ए भैया हमारे घरे आई बा, तो सुना तोहरे खातिर एक बात हमारे ओरी से बा, बड़ा यही ओठ ललिया पे भरात बड़ा, तो सुना अब बजाइए। कि आज घर ही में बनाऊ बनाही खाब पिया तोहके खाब पिया ना, आज घर ही में बनाऊ बनाही खाब पिया तोहके खाब पिया ना, ये की औरत लगाई दिए है या हाँ इशारा करत बड़ा कि आज घर ही में बनाऊ बनाही खाब पिया तोहके चबाब पिया ना, सुना कि खाना आज ना बनाई बे झगड़ा सासू से मचाई जवन बहना बा जवन बहना बाते उहाउ नाही खाब पिया तोहके जवाब पिया ना,
अच्छा अच्छा का दिना भैया सही बात है और शिष्या नहीं लोगन का एकदम दिल के गहराई से उनके ऊपर ए भैया उनके ऊपर नहीं कहा रहा है आ कन्या पक्ष कोरी से कि बर पक्ष है नहीं कन्या पक्ष अगुआ तो नहीं बहन नहीं बर पक्ष से हम आई आ देखा राजा नहीं बकवास को बड़ा ही सुंदर गीत इतना हल्का मचोले बा आज के मार्केट में बजता ई गर्मी के देख के टेम्परेचर ई अच्छे अच्छे के एकदम ढील कह देता कैसे अब उठाई अरे पढ़ी गई लपी रपिया अरे साच कहता जैसे चूहे महुआ राजा ओ हो जैसे चूहे महुआ राजा जैसे चूहे महुआ राजा जैसे चूहे महुआ राजा चूहे तोर जा बहनी जब चूहे महुआ राजा मर जाए मोर परानी जब जब बोलत हुआ तू भाई जान तू बोलत हुआ जब जब चूहे रहू महुआ राजा मर जाए मोर परानी भक देखा था हाय रे दादा ये तो जिंदगी ये मारे के तूल गई लवा वहीं कथा जब जब चुए महुआ राजा मरियाई मोर परहानी कमाई सुनाता का ऐसन बा की बिहाने कार्यक्रम बा देखा भैया तनी संभर के रहा अपने काने में ना ही मोटिक तेल मिलता तो पेट्रोल ही दलवाईला का भैया उधर से चलत रहा तो ना ही हड़बड़ी मचाई देला खाली एक कही नहीं
की पढ़ी गई लपी अरे साची का दानी की जैसे चुए महुआ राजा जैसे चुए महुआ राजा अरे टंगरी हाय राम टंगरी में फंसेली चुनारिया पलमा सलवारिया सियाएदा टंगरी में फंसेली चुनारिया अरे पलमा सलवरिया ये राजा सलवरिया ये दुल्हा सलवरिया सियाएदा पीतावा से ना पिला कमारिया हो पलमा सलवरिया सियाएदा पीतावा से ना पिला चार जने बिना कफन के जर गई लेन एक जने के नाम ही नहीं बताएं के कर भैया वह जो न होली क्या रही है का करबा उन भुलाई गए रहन लगा उन कफन का जज गई रही आइए उधर से बड़ा ही सुंदर गीत सुने के मिलल इधर से भी एक गीत जात बा अगर कहीं गावे में टूटी हो जाई तो ई बिटिया समझ के माफ कर दिहा और गुरु गुरु गढ़ाव त शिष्य समझ के माफ कर दिहा और हमारे पढ़े लिखे सज्जनों बाबू पिता लोग बैठल बाड़े अगर गांव में कहीं से चूक हो जाए तो बहन बिटिया समझ के माफ कर दिया अब तेरी से उधर से बड़ा सुंदर गीत सुने के मिलल हम तो ध्यान ना देली हमारे गुरु जी की ओर से बड़ा ही निमन गीत रहल लेकिन हम तनिक अलग देत बाड़ी अगर एक कई चीज गावल जाई तब मजा नहीं आई अगर चीज के दो कलाकार ही बदे की हल जाने कौन कुछ गई हां तो हां कुछ भाई कमेटी और भैया बाबू सुने वाले सज्जनों को मनोरंजन तनी बदल के दिहल जाला कैसे बाबू बाबा अरे पाली पाना हो अरे बाली पाना बाली पाना ए भैया बाली पाना ए बाबू बाली पाना द्रौपदी करत रहली ने आसाना नावा राजा की राजा ला दरी मनावा बाली पाना
राजगीरा जाली दरी मनवाना लेकिन उस समय भइल का अवंतर अरे सरजू नदी में करत रहली ने सननवा अरे मनावा में अपने सोचे लागा लकरी ना सरजू नदी में उनकर पसीना जब उन नदी में गिरल तब ले उनकर ध्यान पड़ल कि आगे दुर्वासा ऋषि स्नान करत बाड़न सोचा लगन कि अगर ई उनके लगे जाई तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जाई ऊ उमंग के रोके के कोशिश कर लेन लेकिन जब रोके के कोशिश कर ली तो हजारों में बट गई पसीना हो वो हजारों में बट गई लेकिन कैसे मास्टर आवा तेरी उना के है ये भैया उना के उना के है ये बाबू उना के उनके पास जाई ताका दे दे है सारा पावा पापा लगी भारी हमरे तनावा भैया के ओर से धुधुकाए लगल कि अगर दुर्वासा ऋषि के देख ली है तो बहुत भारी पाप लगी हमके तो के रोके के कोशिश कैली कैसे कैली अब अरे चल मैं वो मंगे अपन रोकली भवनिया अरे कासा ही एक टुकड़ा हो ही गईले जंग कोशिश कर लेन तू एक से एक टुकड़ा हो गई खंड खंड में बट गई जब बटल भाया भैया वही एक बूंद में से एक टुकड़ा में से एक लड़की का अवतार है जवन की विराट का दुल्हन बन ली लेकिन आगे का होता आवते भैया सामय सामय बाबू
ना पाया नावा द्रौपदी सहित पांडे गईले बना अरे समय कैसे दिन बीतत बाबू बड़ा परेशानी में दिन बीतल लेकिन 12 माह बीतौलन जब 12 बरस बीत गईल तो एक दिन लोग कैलन का अब तो सोचे ना गे कि ऐसे ना चली कुछ आगे के करे के पड़ी तो करत बली बनवाना लेकिन वहां रहत बारे तक मिलल कान के लोग के अरे पांचो जन के अलग अलग काम मिल जाई हो अरे द्रौपदी ने रानी जी के द्रौपदी ही ये भैया द्रौपदी पांडो और द्रौपदी राजा विराट के दरबार रहे लगे तो उनके लोग के अलग अलग काम मिलेगा और जो द्रौपदी रानी रहलिन उनके रानी जो रहली रानी का हुकुम बजावे के मिल गल। धीरे धीरे दिन बीतत बा एक दिन
वही दरबार के रहे वाला कीचक और द्रौपदी के ऊपर मोहित हो गया, मोहित हो गई। एक दिन देख लन दुई दिन भीम देखत बने के सैला इकी समझ में नहीं होता। ई हमरे मेहररू के ऊपर दावा फेरा था, ई हमरे मेहररुआ के ऊपर जा करके ऊ कीचक के हटाई देने रास्ते से कई लड़का डटे रिसे और देखिए सम्मानित बड़े भैया राजन पटेल जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार सुनने में कोट को नमन है। वंदन अभिनंदन कहे अरे तू ही जब गए भैया की ही बली बनवाना, लेकिन इधर द्रौपदी के ना पता बा और जो पांडव रहन पाचो ओनहु लगन के ना पता बा कि होत का बा। आवा अरे कीचक साथे सौ भाई द्रौपदी के ललनवा रहली जो बहाना द्रौपदी बनाली बतिया के समझल जाए। इधर जवन कीचक के साथे सौ भाई रहलेन और इधर जवन पांचो पांडो का बहिन द्रौपदी रहलेन, इनके लोगन की ना समझ में आई कि सौ भाई जवन रहले है जवन हर बहिन लागत है ये नहीं उनका लोगन का माई बहिन। ऐसे विधि का विधान है, ब्रह्मा ने ऐसी लेखनी लिखा। अब अंत बदल के Thank you.
भैया अब कुछ तन्नी का बजाई दा हेलो हेलो कैसन बैठ जाता भैया ए भैया हेलो ई हमरे राजेश तिवारी भैया खातिर इनकर मलकी इनसे कहे अब यहाँ से जइयो तो समझइयो ई हमरे राजा का हमारा तड़ा माजा तनी घर में ध्यान देबा दूठे लड़का का देला बड़े खाली दीना के और आरती के बोला कि कजरी गई बा लेकिन कौनो दुखी कम मरद पियक्कड़ निकल गई उ दुन्नो पियै का भैया गाजा दारू दुन्नो एकदम फरियाय के बताया भैया हां तो खाली फरियाय तू पकड़ा कर है अच्छा अच्छा ए भैया दुन्नो पिए का मतलब बताइबे कहले ना कि गाजा और दारू दारू एकर मतलब गलत ना होला ओ मरद पियकड़ रहल सुबेरे 6 बजे निकले घरे से आवे साज कर दे आवे त मेहरारू ऐसे एक दिन देखलेस दो दिन देखलेस एकदम मतलब रहल एक गोड़ा यहां जाय देखे ऐसे ए कबीर का बहन हट ए शबो कना के मम्मी ए चिंटुआ के मम्मी तनी के वड़िया खोला ना मेरा रुख है आई गया लत मारू आई गया मैं फुकाऊनू आई गया घोड़ा का मूत पी के हरामी आदमी इका होला मेरा भी गुस्सा थी तो यही कह दिन है आई गया घोड़ा का मूत पी के ये नके कहा था का देखो झगड़ा मन लगावा उनके वरी तो राजेश भैया हंस के झगड़ा लगा दे ये नहीं कि नहीं अनमरद रहल अबे इनकर खूबसूरत का दुलही एकदम इनके चाल से परेशान हो गई कहेस कि एकदम सुधर जा नहीं तो दे वो नहीं ना का हो खाना मर दे अरे हम संकेत में रह के का न दे कहे दे वो ना तब मेहरारू समझावे का कहे दा उठाई से भैया और देखिए बड़े भैया सम्मानी पप्पू तिवारी कोटेदार त्यूरान की पान भूमि से एकदम तरक्की में चांद चांद लगे एखे नहु खाते रखे की तो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा कौन बोला कहे उजले ही आवा देखो नरेस भैया ये मास्टर तनी संहार के बोली हाँ हमरे साहब लोग बैठल बाड़े आज छूट देले बाड़े देखो सर जी कहे अब ये कहे तू ता बाहर से आवेला चोनाई के का कहा था ता बाहर से आवे लच्छो नहीं के बोला पिनहाई के लत खोरा आदमी इतना के समझाई लेकिन समझबे ना के हम को उ मेहरारू कह दिया कि तू तो बहरा से आवे लच्छो नहीं के ना के जगह मास्टर द लगावत हैं तो वे मास्टरो कमी जाज आजकल बड़ा तेज चलता कैसे पहाड़ी देखी बा है कैसे ही बोला जाए अब तू ता बाहर से आवे ना चोनाई के तू ता बाहर से आवे ना चोनाई के रोज तोड़ी देला हमारा उ भाई के
तूता बहारा से आवे लचोनाई के रोजी तोड़ी देला हमारा उभाई के अरे कहेला पिलीज जदी दहिया बरीज वही चीज खातिर रोसेला के मुते देखो हम ये कहा नशे में तो नशे में तो का करे दीवार थोड़े घरे कमरिया धकिया बन लगे बस हार होइगा कहे तुता बाहर से आवे लचोनाई के रात तूड़ी देना हमारा उभाई के तूता बहारा से आवे लचोनाई के रात तूड़ी देना हमारा उभाई के और कहेला फलीज जदी दहिया बरीज वही चीज खातिर रूसेला एक नई खोज कोनो पंडित अपने पंडिताइन से कहे एकदम परेशान रहल तो एक बात कहे तनी टेरी में दबा जाके
पंडित जी कलेश में जेबे परदेश में कमाई आई एकदम ही पंडित जी पगलाई गए रहन रोज का किच किच सुन के तब जाए के पंडिताइन से गाथन पंडिताइन अब हमार जीव छोड़ा बड़ा डाहिली हूँ अब हम जाब कमाए खातिर तनी अखे काम कहिदा कहे का अरे खराबा से चले चार लिट्टी के लगाई के अरे पंडित जी पहुंचे पीछे बनावा में जा ए बाबू पहाड़ी का पंडित जी पहुंचे पीछे बनावा में जाई के बनावा के पीछे बैठे कमाने लगाई के तब पकड़े भारी तब जलिया ए भैया पंडित जी पंडिताइन से कहलन कि ये पंडिताइन हम के चट्ठे लिट्टी लगा दे और वही लिट्टी जब लगैली तो गठिया ले लेन भैया गमछा में और इसे टांग के एक लाठी ले लेन वही लाठी के कोने पे बांध ले लेन बांधे के बाद पे रखे धाई से रख के जब चल लेन जाते जाते कुछ दूर गई लेन जब कुछ दूर गए लेने भैया तो एक जंगल मिलल जंगल के बीच गई लेन तो एक नारा मिलल कुआं वही कुआं पे एकदम जोग रमाई के बैठ गए दोनों पलथी मार के घोड़े पे घोड़ तहिया के जब बैठले ने भैया तब का होता आव टेरिस वो ही ए भैया वो ही ए बाबू वो ही कुआं में से चार तानों के कुबरिया मैं बे बैठे पंडित जी समय बैठलन वही कुआं पे तो चार भूत वही कुआं में से निकललन जब वही कुआं में चारों भूत रहलन एहर पंडित बैठन सोचलन कि अब भूत एकदम चकोटा था चकईपुर के पवन बसुंधरा से अब अंतरा से एक दुई खाई की चरहु खाई अरे बारह बारह पंडित रहे रंडावा लगा इधर जब पंडित जी बैठले तो भूख एकदम करोवा था लिट्टी लिए बारन आवाज में कहते कि एक खे खाई कि दुई ठे खाई कि चारों खाई अरे इतना बात जब वो दानो सुन लेन एकदम घबराए लगन कि बस करी हमने चारों मिला के खाई जाए तब लोहन कैलन का अब तेरी
गए भैया दहुलत दहुलत गए बाबू दहुलत दहुलत का जाना लेला लौटा अपने घर हवा जाई पर देश में कमाई पंडित जी कोना में से हमनन के खा मत हईला दौलत लेला खजाना ले लो और अपने देश चला जा लेकिन हमनन के जनावा पक्ष द अगर तू हमनन के खा जाइबा तो बड़ी गड़बड़ हो जाई बाबा। लेकिन इधर पंडित जी उनन के खाए चक्कर में ना रहले उच्चा ठेलिटिया जो ले रहे वही सोचत हन कि एक खेखाई की दू खेखाई की चार तोन हन चार मिला रहले नहीं कुआ में तोन हन अपने समझ गए कि बस कर ही हम के चारों के खाए के कहता लेकिन तब जब दानव कहले तो पंडित जी का लहल तब हिल गया पंडित घर लेके आए खुशी माने पतिया के दिहाले खुशी ए भैया खुशी खुशी ए बाबू खुशी खुशी माने पतिया में दिनामा बिताए पतिया के पंडित घर पे जाए पंडित जी का पतिया के ए भैया जब पंडित जी रुपया सर भी मतलब गहना सोना चांदी और रुपया लेके घरे अइलन वही गठरी गठियाई के आई के पंडिताइन से बतावत बने कि ये पंडिताइन ला पकड़ा अरे पकड़ा पकड़ा का ई वाला ला का वही सुनवा चनिया तो मर्दे ऐसे बतावा पंडिताइन कथिन का हो पंडित जी तू तो कमाए गो रहना कैसन बिहाने चल अल साझे गई बिहाने चल अल ऐसे कमाई होला पंडित जी कहले पगला रात भरे में जितना लेके चली कैसे रात भरे में जितना लेके चला आवा देखा लाजवा है पंडित जी कहते कि ला कमाई जितना हम न कमैली इतना तो हम लोग खाए तो जिंदगी बीत जाई लेकिन धीरे धीरे ये बतिया पड़ोसी के पता चल गई जब पड़ोसी के पता चलल अभी बात पड़ोसी के पता चलल तो वो लोग लगे नोमा से बतावल जाला कि पड़ोसी के हु के नहीं होते जब भाई भाई के नहीं होता तो पड़ोसी वाले ऊ कैसे हुई जब बेटा माई के नहीं होता तो पड़ोसी वाले तहार पड़ोसी दीना भैया हैं कुछ है समय बदे तो झगड़ा मन लगावा बिहाने फिर कार्यक्रम बा ए भैया
सबने भइन का आवत तेरी से धनावा है भैया धनावा धनावा है बाबू धनावा धनावा चोरा ले चोरा चोरा के धावा जब चुरा ले लन तो धीरे धीरे उनकर वही हाल भी तत्वा लेकिन कैसे आवा अरे कुछ दिन बाद ब्रिज का वही गति भैले अरे फिर बने पके ताब उहरे पंडित जी को धीरे धीरे वही दिन जैसे गरीब रहलन फिर वैसे भइलन जब फिर वैसे भइलन तब फिर वही गइलन फिर बैठले नारावत कथन एक खे खाई की दूठे खाई की जरो खाई जाए फिर ओनन लगेन घबराए की फिर आई गवा अब लगत है दीपारी तक खाया के जाए तब ओनन अपने में विचार बनवल कैसन बा कि यहू के फिर यदि पर कुछ अलग से दिया जाए अलग से दिहल जाए जो हमन के जान बची जाए ऐसे दोहरावत रहन एक खे खाई की दूठे खाई की चरहू खाई जाए चरहू खाई जाए तो फिर ओहन निकल लेन निकलन तो कहथन सुना हमन के खा मत ल है एक खे आज तक कुछ अलग देत बड़ी दौलत से जीव नहीं भरा हला दौलत से तोहार जीव ना भरल तो ल तोहके कुछ अलग से देत हई दानो मिल के खेत करहिया देलेन जब करहिया देलेन तो ओकर खासियत का रहल आवा टेम Hey, baby.
प्रधान जी जोन होले उनके दू कंधा होला, वही कंधवा पे बड़ा जिम्मेदारी होला, जवन की तोहरे लोग के बस के बाहर बा, बाहर बा। लोग मेहरारू पे ज्यादा ध्यान देते हैं आजकल, नीचे ऐसा कोनो बात ना बा, इनके लोगन के बाती पे ध्यान मत दिया लोगन, आवो वही से जयकारे है ये भैया जयकारे, जयकारे है ये बाबू जयकारे, जयकारे बनाए मिले भोजन आई से तमे जय जय पारा देश में कमाई आई, जय जय पारा देश में जय जय पारा देश में कमाई आई, भैया जयकारे जयकारे भैया जयकारे भैया कहल जला उ कराही जब पंडित जी लेके अइले तो पंडिताइन के फिर समझावत अरे समझावत का बारे कि ई कराही के बड़ा भारी राज बा, लेकिन एक लाइन में गीत बा जवानी में जवानी में केतना के खैला ये दादा, ई बड़ी पुरानी गीत बा हो नरेश भैया, और बड़ा लहाई के लोग गावे ले, और ई गीत केकर वाली हो, ये दादा वाली बड़ा लहाई के गावे ले, कैसे कैसे अरे जवानी में केतना के खैला ये दादा बुढ़ाउती में गीत बा, लेकिन इधर जब पंडित कराही लेके अइले तब हर करत का बारे हवा, अरे पुड़िया मिठाई पंडित, अरे खुशी में बनैले आगने में तुहार, बनैले अंगने में पंडित खुशिया मनौले मनौले, कहानी केना बतावल जाय त गड़बड़ हो जाय, गाना कम होय लेकिन कहानी समझल जाय, ए भैया लेकिन इधर होत का बा आवान से पजिया पड़ोसी जबा भेदिया के पहिले रतिया में जाके का रहिया चोरई रे, लाल दम पजिया पड़ोसी जब भेदिया के पहिले रतिया में जाके का रहिया चोरई रे, पंडित खुशिया मनैले खुशिया
भैया जब ये बात पड़ोसिन के पता चलल कि बाप रे बाप ये करे लग गए तो फिर एक ऐसा कुछ मिल गई आज भी चीज आ गई कैसे एकर समय देखत ही बदले लगल पंडित अभी छो मांगे नहीं जाला दोनों परानी घरवे में रहे लेन जानल भैया की पड़ोसी भले के तनो भलाई कह दे लेकिन भलाई के जमाना नहीं ना। नहीं बा तो केहू आगे बढ़ेला तो केहू बढ़े ना देवेला हे तोहरे और हाथ दिखावत है केहू कुछ करे के चाहेला तो केहू आगे बढ़े ना देवेला बिगाड़े पे लपटा रहा केहू बनावे ला तो केहू बिगाड़े पे लपटे रहले पेड़े पे चढ़ाई के टंगरिए खींच ले ले वो पहाड़ी ओरी जाके ए भैया फिर पंडित तो वही समय जब लौटल जा करके ई पड़ोसी लोग तरहियो चढ़ाई ले ले जब चरोले तो पंडित सोचले कि अब का करी फिर गइले नहीं देरे फिर कहथे ने खे खाई की दुनो फिर ओने निकलन तब भइल का आवन अरे इस बारे तानौती या कोढ़ावा उपहार हो अरे जे करे मारे दुई दुई तू समान के जाई के जब दोबारा वहां बैठ लेन तब उन्हन फिर घबराए लगन की फिर आई गया पीछा छोड़ी ना ई पीछा छोड़ी ना तब वो दी पारी एक छोड़ी दे देले से कोड़ा केस की ला है के ले जा तोहे पड़ोसी परेशान कर तोहे पड़ोसी परेशान कर थन बस एक भैया कह दिया एक भैया कह दिया चमड़िया उधेर ली कोई कुड़वा से ए भैया बड़ा खुश हो के पंडित के है कि चल सरवा के रोज हमके परेशान कर ले बतावा हम इतना मेहनत से ले जाइला और कम से कम और एक बात को हल गल बा कि रास्ते के माल सस्ते में चला जाए तो उन भाई के हुक धन ले के आवत हैं डरवाई के तो वो कहाँ पहुंची ले के जब वो छोड़ी आई लेन रख देलेन और पड़ोसी के पता ना रहा गायन सोचन की भी जब झगड़ा करी वही के तोड़ा तब ये पड़ोसी कहन फिर आई गया बकोनो ललकार देन की जो ये पड़ोसी के दे जो ये पड़ोसी के दे ये बड़ा बरियार लगता बड़ा ये इच्छता जब गई डंडा लगला डंडे पे डंडे डंडे पे डंडा डंडा डंडे पे डंडा डंडे पे लगई एकदम चमड़िया उधेर गई मारा तो मारा तेने कर जिनी किया आखिरी लाइन में पैतरा बदल दा सोहरा की धरती से बहुत सारा रुपए का पुरस्कार तरक्की में चांद चांद लिए आओ ही से